आई कैन टेल यू राइट नाउ देयर इज अ वे टू मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर. एक टर्म है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज द डर्टी लिटिल सीक्रेट ऑफ द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री एंड द फाइनेंस इंडस्ट्री. मार्केट में वो पैसा क्रिएट कर दिया है जो था नहीं, और अगर ये सारे के सारे क्लेम करने आ जाएं तो क्या होगा, मैं बैंकरप्सी फाइल कर दूंगा. ठीक है, ये सिस्टम डिजाइंड है टू गो इनटू बैंकरप्सी. कोई ना कोई बैंकरप्ट होगा. आज से कई साल पहले जब मैं अपने दौरे जाहिलियत में था तो मैंने एक बैंक के साथ काम किया. उस टाइम पे आई रियलाइज्ड के जो इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग होती है ना, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं. एक टर्म है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज द डर्टी लिटिल सीक्रेट ऑफ द एंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री एंड द फाइनेंस इंडस्ट्री. दिस इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मनी फ्रॉम थिन एयर. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स कहते बेटा काम करो, मेहनत करो, बड़े आदमी बनो, पैसे कमाओ, खून पसीना लगाओ. आई कैन टेल यू राइट नाउ देयर इज अ वे टू मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर. एंड हाउ इज दैट हैपनिंग? दैट्स हैपनिंग इन द बैंकिंग सेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग. सो इसकी छोटी सी मिसाल ये है, इमेजिन करें कि आपने बैंक खोला. लेट्स सपोज कि एक पर्सन ए आया, उसने आपके बैंक में पहली दफा 10 गोल्ड कॉइन्स डिपॉजिट कराए और आपने उसके बदले में उसको ना 10 पर्चियां काट के दे दी, रिसीट्स बेसिकली, जो कि एक लीगल टेंडर है कि ये पर्ची जिस जगह जाओगे कैश हो जाएगी. क्यों? क्योंकि इस पर्ची के पीछे 1 गोल्ड कॉइन है, और कोई भी बंदा वो पर्ची लेके अगर हमारे पास आएगा, हम उसको 1 गोल्ड कॉइन दे देंगे. ठीक है, तो अभी तक तो ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं, इस्लामिकली भी कोई मसला नहीं है. अच्छा, अब पर्सन बी आता है, वो भी 10 गोल्ड कॉइन डिपॉजिट कराता है, उसको भी आपने 10 पर्चियां काट के पकड़ा दी और आपने कहा ये लीगल टेंडर है, ये आपकी रिसीट है और आप जाएं. अब आपके पास कितने? 20 गोल्ड कॉइन. मार्केट में कितनी पर्ची है? 20. 20 नोट है, बीच ईच पर्ची इज बैक्ड बाय गोल्ड. राइट नाउ वी हैव नो प्रॉब्लम. अच्छा, अब पर्सन सी आता है और वो कहता है कि मुझे ना 10 गोल्ड कॉइन्स का लोन चाहिए. तो बैंक कहता है बिस्मिल्ला, नो प्रॉब्लम, 10 पर्चियां काटता है और उसको पकड़ा देता है. अब गोल्ड कॉइन्स कितने पड़े हुए? 20. मार्केट में पर्चियां कितनी हैं? 30 हो गई हैं. पर्सन डी आता है, वो 5 गोल्ड कॉइन्स मांगता है, बैंक कहता है नो प्रॉब्लम, 5 पर्चियां काटता है, उसको पकड़ा देता है. अब बैंक के अंदर 20 गोल्ड कॉइन है, मार्केट में 35 पर्चियां घूम रही हैं. अच्छा, ये जो 35 पर्चियां हैं, इसका मतलब ये हुआ, इसमें 2-3 काम हुए. एक काम ये हुआ कि मार्केट में वो पैसा क्रिएट कर दिया है जो था नहीं, जिसके पीछे कोई भी एसेट, जिसके पीछे कुछ नहीं है, और अगर ये सारे के सारे क्लेम करने आ जाएं तो क्या होगा, मैं बैंकरप्सी फाइल कर दूंगा. ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि देखें ऑटोमेटिकली ना इन्फ्लेशन होती है. इन्फ्लेशन किस तरह होती है? क्योंकि देखें ये जो गोल्ड था, जब तक तो गोल्ड के साथ एक पर्ची अटैच थी ना, तो उस पर्ची की एक वैल्यू थी. लेकिन अब चूंकि पर्चियां मार्केट में ज्यादा हो गई हैं, तो क्या हुआ कि उन पर्चियों की वैल्यू वो नहीं रही जो गोल्ड की वैल्यू है. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 1-1 करोड़ रुपया कैश पकड़ा देता हूँ, और लेट सपोज कि कोई, अल्लाह माफ करे, कोई ऐसी आफत आती है कि हमें पता चलता है कि जी बाहर कोई ऐसा वायरस आ गया है या कोई ऐसा जंगली जानवर आ गया है कि आप लोग यहाँ बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते, आप बाहर निकलेंगे तो सीधे सीधे मरेंगे आप. ठीक है, अब 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, पहले तो हम लोगों ने कॉफी और पानी पे गुजारा कर लिया क्योंकि खाने पीने के लिए था कुछ नहीं. बट लेट सपोज किसी के पास एक वाटर बॉटल पड़ी है के बाद दूसरी है. नाउ एक पॉइंट ऐसा आएगा महीने बाद, आप कहोगे कि मैं ये 50 लाख में भी ले लूंगा आपसे. That money doesn't mean anything to you anymore. Because right now what matters is the commodity itself, जो जिसकी value है. ठीक है, तो inherent value उस चीज़ की है. अब हो ये रहा है कि fractional reserve banking की कहती है कि हर bank के पास एक limit होती है जितना उसको पैसा reserve रखना पड़ता है, और वो आम तौर पे जो limit होती है वो 10% होती है. यानी for example अगर एक bank ने को आपने 100 rupees रखवाए हैं, तो वो 10 अपने पास रखेगा, 90 rupees जो है वो basically वो ले जाते हैं कि ये loan में जा सकता है. पहली बात. दूसरी बात ये कि जब लोन भी वो देंगे तो लोन जब रिटर्न होगा तो उस पे इंटरेस्ट होगा. दैट इंटरेस्ट अमाउंट दैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट, व्हिच मींस ये सिस्टम डिजाइंड है टू गो इनटू बैंकरप्सी. कोई ना कोई बैंकरप्ट होगा, कोई ना कोई बैंकरप्ट होगा, कोई ना कोई मॉर्गेज नहीं पे कर पाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पैसे इतने हैं नहीं. और हवा में हम क्रिएट भी कर लें तो जो इन्फ्लेशन का मामला होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास जो चीजें हैं ना, इनकी वैल्यू यानी $1 million की होंगी. जैसा कि आप जिम्बाब्वे की मिसाल लें, आप अर्जेंटीना की मिसाल लें, आप वेनेजुएला की मिसाल लें, ये वो ममालिक हैं जहां पे इन्फ्लेशन इतनी ऊपर चली गई कि एक अंडे और डबल रोटी लेने के लिए आपको $1 million, $500,000 चाहिए थे. वेनेजुएला में वो पैसों के ना पर्स बना बना के ना बेच रहे थे, यानी बिकॉज इट वॉजेंट वर्थ द पेपर इट्स प्रिंटेड ऑन. सो ये लेवल आता है जब आप इस किस्म का सिस्टम क्रिएट करते हो. इस्लाम इस सिस्टम के खिलाफ है. इस्लाम कहता है सूदी कारोबार नहीं होगा, बिकॉज सूद से रिबा से पूरे मुआशरे को असर होता है. यानी एक होता है ना कि आपने एक बंदा मार दिया, 2 बंदे मार दिए, सूद से क्या होता है पूरे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है. इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाती है जिसकी वजह से गरीब गरीब तर होता है और अमीर अमीर तर होता है.